तो आज के सल वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ एक कास्ट है। लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, जी वैगन, डिफेंडर, इन सभी तगड़ी तगड़ी कार्स को मैं अलग अलग जगह टेस्ट करने वाला हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं ये पांच कार्स लेकर जाने वाला हूँ, बुगाटी, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर एंड जी वैगन, और इनको मैं टेस्ट करने वाला हूँ इस ब्रिज के ऊपर। ये देख रहे हो, ये ब्रिज बीच में से टूटा हुआ है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी जंप मार के वहां तक पहुंच पाएगी। वैसे ना देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी है, जंप मारने के लिए रैंप है, तो सारी गाड़ी को अच्छी खासी जंप मिलेगी। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो उस पार चले जाएगी। वैसे ना एक डिफरेंस है, लैम्बोर्गिनी बुगाटी कूद तो जाएंगी पर उनके सस्पेंशन अच्छे नहीं है, तो शायद से वो लैंडिंग में खराब हो जाए। तो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी जीत पाती है, एसयूवी या फिर अपनी ये मस्त मस्त सुपर कार। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ रोल्स रॉयस रैथ, क्योंकि यार देखो अपने पास दो सुपर कार है, दो एसयूवी है। मतलब सुपर कार्स मेरे को पता है कि जंप करके वहां तक पहुंच जाएगी, बट लैंड करेगी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन एसयूवी जंप भी कर सकती है, शायद से लैंड भी कर सकती है। बट तो सबसे पहले इसलिए टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसकी स्पीड या तो हो सकता है बहुत अच्छी हो, ये जंप लैंड दोनों सही कर दे, या फिर ये कुछ नहीं कर पाएगी। डन है भाई, ठीक है टेस्ट करते हैं। इंजन मैंने कर दिया है स्टार्ट, और अभी मैं एक सेकंड साउंड बढ़ा लेता हूँ। इस गाड़ी का जो साउंड है ना भाई वो सबसे ज्यादा क्रेजी है, बाकी अभी उसका होने वाला मस्ट टेस्ट। लॉन्च कंट्रोल करेंगे भाई, लेट्स गो। क्या क्या टायर के निशान छपे हैं पीछे, बटी अभी मेरे को बार बार गियर अप करना होगा ध्यान से, क्योंकि मैनुअल कार है भाई। फुल शोर तो मचा दिया, बस बढ़िया से जंप कर दे, मजा आ जाएगा। टर्न भाई, इस टाइम इसकी स्पीड यार मेरे को 180 की स्पीड, 160 से ऊपर तो जाए, एटलीस्ट 160 से ऊपर गई। लेट्स गो, मस्ट जंप हुई अब भाई। नहीं, इस ब्रिज को पार करने के लिए शायद हमें कम से कम 180 का स्पीड चाहिए या फिर 200। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। अभी मेरे को अभी फील आ रही है पॉसिबल है, ये कर सकती है। लेट्स गो, सेकंड गियर, गियर अप टाइम पे करूँगा ना तो शायद मैक्स से मैक्स स्पीड पकड़ सकते हैं। नहीं, फिर से नहीं हो पाएगा यार, इसकी स्पीड नहीं गई। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं जा ही नहीं रहा, मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं ऐसे ही नीचे जाता हूँ, ऐसे इससे बढ़िया ऐसे जा, वहाँ जाके बेइज्जती। ये स्टीयरिंग देख रहे हो भाई, क्या हो रहा है, पूरे काप रही है गाड़ी, और अभी टूटने वाला। ओ भाई ये बढ़िया था, मजा आया। चलो चलो कट कट कर नेक्स्ट। तो मस्टैंग अभी फेल हो चुकी है, अब नेक्स्ट कार मैं ट्राई करने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी करेगा। चलो नेक्स्ट लैम्बोर्गिनी, बुगाटी मैं सबसे एंड में करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा उम्मीद है। लेट्स गो, फटाफट से चलकर बैठते हैं लैम्बोर्गिनी में, और इसका साउंड उससे भी डबल है भाई, शोर मचा दिया। अच्छी यार, ठीक है भाई वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लो बस। चलो ओहो भाई, 150 ही चाहिए, ये तो 300 जाएगी भाई। जंप तो मस्त होने वाली है। ओहो लेट्स गो। ओ भाई नहीं, लैंडिंग अच्छी चाहिए भाई, जंप। एक सेकंड, गाड़ी सेफ है भाई, देखो पैसेंजर अंदर का सेफ है, बंदा जिंदा बच गया, हमें उससे मतलब है। गाड़ी भी ठीक है वैसे, मतलब ज़्यादा नहीं, 50-60 लाख का खर्चा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छी लैंडिंग हो पाए। मतलब ऐसे एक बार में लैम्बोर्गिनी को फेल नहीं कराना चाहिए, सबको मैं दो ट्राई देने वाला हूँ। इस बार थोड़ा सा स्टेबल करके ले जाऊँगा, और 200 की जगह इतने पे ही मेंटेन रखते हैं बस। बढ़िया, नहीं, अबे यार भाई देखो अपनी लैम्बोर्गिनी फेवरेट कार है, तो एक ट्राई और भाई, एक ट्राई, नहीं एक और ट्राई, ऐसा कैसे हो सकता है ना पार कर पाए। इस बार थोड़ा सा और ध्यान से, थोड़ा राइट साइड बैठे यार, वो ब्रिज से नीचे कर लेते हैं। बस बढ़िया वाले जंप हुए भाई। ओहो चलो भाई, अरे अगर ये इस बार बढ़िया लैंड कर गई ना तो बस कल ही जाके शोरूम से निकलवाएंगे येलो कलर की, बस अगर अभी हो गई तो। मतलब आगे का तो देखो यार, बम्पर तो टूटे गए, वो टूटना बनता है क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बाकी थोड़ी शीशा विशा ना टूटे यार, महंगी गाड़ी है ऐसे टूट जाएगी तो बेकार है ना। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में, बस हो गए भाई, हो गए। चलो अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा भाई, नहीं शीशा नहीं टूटा भाई, लेनी पड़ जाएगी, टूट यार, मजाक करा था मैंने, नीचे जाके ये कट होएगा भाई, शीशा कैसे नहीं टूटा इस बारी, पहाड़ में जाए भाई, टूट गया। चलो भाई कैंसल है लैम्बोर्गिनी, ठीक बेकार कार है। मस्टैंग तो फेल हो गई थी, बट लैम्बोर्गिनी के रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जंप परफेक्ट थी, लैंडिंग 80% ठीक थी, क्योंकि एक बार भी गाड़ी फुल क्रैश नहीं हुई, मतलब बस क्योंकि टायर वायर कुछ नहीं निकला भाई, बस आ गया बम्पर टूट गया, थोड़े शीशे वीशे टूट गए। बट अब बारी है G63 की भाई, मेरे को इस कार से वैसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी फुल माफिया कार है, इन सब कामों के लिए नहीं है, हरकतों के लिए, बच्चों वाली। तो इस कार को थोड़ा अलग तरीके से लेके चलेंगे। डन भाई स्पीड तो है यार, ये भी कर देगी अगर ये 180 टच हुई तो, ये भी कर, ये भाई ये अटक क्यों गई, 160, बढ़िया हो गया भाई, गई है स्पीड, गई है बट नहीं गई यार, क्योंकि उतरी
ये तो गाड़ी खुल गई यार। इतना नहीं, ये दुख हुआ भाई मेरे को। एक सेकंड, ये गाड़ी समझ रहे हो इन सब काम के लिए नहीं है, एक और ट्राई करते हैं। इसको गाड़ी को फेल नहीं होने देना यार। मतलब जंप करने के बाद सीन क्या होना है, इस गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है, तो इसको जंप कराने के लिए कम से कम 250 स्पीड चाहिए। बढ़िया, ओ हो गया। अबे भाई ये तो नहीं भाई, इसका तो कुछ बुरा ही हाल हो रहा है, मस्टैंग से भी ज़्यादा। ये और नहीं देख सकता मैं G60 के साथ ये होता हुआ, मैं नहीं देख सकता यार G63 के साथ इतना बुरा होते हुए। तो इसको पास भी नहीं बोलेंगे, फेल भी नहीं बोलेंगे, ये समझ रहे। तो अब बचे हैं दो किंग, ये है सुपर कार्स की किंग, वो है SUV की किंग। तो पहले सुपर कार को लेकर चलते हैं, बुगाटी, क्योंकि मेरे को पता है ये जंप तो बहुत अच्छी मारेगी बट इसकी लैंडिंग इम्पॉसिबल है भाई। अच्छी हो जाएगा अगर एक बार भी होगा कि इसके चारों टायर सलामत बच गए तो इसको मैं पास मारूंगा। ठीक है भाई, इंजन कर दो स्टार्ट इसका। ओहो, अरे क्या होगा, ओहो हो, होल्ड करके रखना पड़ता है भाई, लेट्स गो। ये तो सीधा फुल दे दूंगा एक बार इसमें। लैम्बोर्गिनी वाले स्पीड इसने 2 सेकंड में पकड़ ली, बट ठीक है, इतने फास्ट की जरूरत नहीं है अभी अभी अभी, बाद में करेंगे फास्ट, जंप से कुछ सेकंड पहले। और बढ़िया, सबसे बेस्ट जंप तो हुई है और सबसे बेस्ट लैंडिंग भी हो गई भाई। बाय लक एक एंगल ऐसा सेट हुआ कि लैंड होते टाइम चारों टायर पे आया प्रेशर सारा और कहीं पर नहीं, और गाड़ी सही सलामत भाई पहली बार में पहुंच गई है, और थोड़ा बहुत धुआं हुआ निकल रहा है शायद कहीं से। ठीक है यार, ये तो पास है मेरे हिसाब से, मतलब ज़्यादा नहीं, बस आया 1 करोड़ का खर्चा तो आया इस गाड़ी के हिसाब से, बट एक और ट्राई करते हैं इसके साथ। डन, मैंने या तो बहुत अच्छे से करा था ना, मैं डेली चलाता हूँ बुगाटी, इसलिए आदत हो गई है, इसलिए मैंने इसको बढ़िया तरीके से करा दिया। एक बार ही और ट्राई करते हैं, बढ़िया इस बार नहीं होगा यार, वो तुक्का था मेरे हिसाब से, वो तुक्का था, मेरे को लग, ओ भाई इतना ये तो फुटबॉल बन गई यार। बस बस बस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाते नहीं लगी इसके, सीधी हो जा भाई, इस बार तो गाड़ी खत्म है। एक और ट्राई, लास्ट ट्राई, लेट्स गो। ओए टायर मुड़ा हुआ था, वेट वेट वेट, कट कट, अभी पहले टायर को सीधा करेंगे फिर रेस्ट देंगे। चलो भाई दोबारा से, गाड़ी की स्पीड है 250 सम भाई, एक सेकेंड, ज़्यादा स्पीड में भी अच्छा, 200 मेरे हिसाब से करेक्ट स्पीड है इस कार के लिए, वरना फिर तो इसका ये फुटबॉल ही बन जाता भाई यार भाई। ठप्पे खाते खाते गोल गोल सब खुल गया भाई, इंजन विंजन सब बाहर, ये एक और रह गया था। ठीक है भाई, कचड़ा तो हो गया गाड़ी का, बुगाटी तुक्के से एक बारी पास हो गया, बट मैं इसे जीता हुआ ही मानूंगा भाई। चलो भाई, तो अब बारी है डिफेंडर की, मतलब ये कार से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, कहीं से नहीं टूटनी चाहिए, बम्पर भी डैमेज हो जाए बट टूट के निकलना नहीं चाहिए, तभी इस कार को पास मानेंगे क्योंकि ये बनी इसलिए। ठीक है भाई, लेट्स गो। बाकी अरे चलो स्टार्ट हो गई गाड़ी, और ये ड्रैग एडिशन है भाई, इसका मतलब स्टेज अप हो रखी है गाड़ी, तो पावर तो बहुत है स्पीड के लिए, बस पहुंच जाए, लेट्स गो। मस्त जंप हुई है, होगी भाई लैंडिंग तो बढ़िया होने वाली है, बस अबे उसका तो टायर ही निकल गया, बट गाड़ी अभी भी बढ़िया चल रही है, देखो कुछ नहीं यार, नहीं बहुत कुछ हो गया, बम्पर वम्पर सब निकल गया, बट ऐसे देखोगे तो ज़्यादा डैमेज नहीं लग रही है। एक और ट्राई, एक और ट्राई, डिफेंडर को एक और चांस देना चाहिए। चल भाई शायद से मेरे को एक परफेक्ट स्पीड पे चले जाना होगा, आराम से आराम से, इसको ना 200 पे ट्राई करते हैं। ठीक है, ये 200 है, इतना मेंटेन रखते हैं, बढ़िया। अभी नहीं पहुंची तो दिक्कत नहीं होगी, पहुंच गई है, क्योंकि यार इसके वाले टायर का पेच ही ढीला है, फिर वही वाला टायर क्यों निकल के जा रहा है, क्या यार छी कहाँ गया टायर भाई, तो पुर्जे खुल रहे हैं इसके। तो एक लास्ट ट्राई, इसके बाद मैं ट्राई करने वाला इस गाड़ी से, इस बार इसकी स्पीड रखते हैं 180, पहुंचेगी ना, पहुंची तो है, बट नहीं 180 पे तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट इसके टायर में प्रॉब्लम है भाई यार, कोई छी यार इसके टायर टाइट करवाओ पहले, ये तो कभी नहीं जीतेगी, बेकार है भाई। बाकी होप आप लोग को ये कार टेस्ट वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इस टाइप की और भी क्रेजी क्रेजी मैप्स में ढूंढ के मस्त टेस्ट करने वाला हूँ अलग अलग गाड़ियों का। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कॉमेंट्स में जाके बताओ कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है।